राहुल गांधी के खिलाफ लगातार हो रहे हिंसक बयानों को लेकर के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं, क्योंकि कोई राहुल गांधी को अच्छा बताता है तो कोई बुरा। कोई कहता है देश का नंबर वन आतंकी है, कोई उनकी दादी के जैसा हाल करने के लिए कहते हैं, तो कोई उनकी जीभ काटने की बात करता है। अब लगातार इन बातों को लेकर के प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट किया है, जिसमें प्रियंका गांधी ने बीजेपी पार्टी की बेइज्जती की है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी जैसे जैसे मजबूती से जनता की आवाज उठा रहे हैं, वैसे वैसे उनके खिलाफ जुबानी और वैचारिक हिंसा बढ़ रही है। क्या देश के करोड़ों दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और गरीबों की आवाज उठाना इतना बड़ा अपराध है कि भाजपा नेता प्रतिपक्ष को उनकी दादी जैसा हाल बना देने की धमकियां दे रहे हैं। लगातार एक के बाद एक हिंसक, अभद्र और अमानवीय बयानों से यह साबित होता है कि यह एक संगठित सुनियोजित अभियान है, जो देश के लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। उससे भी ज्यादा खतरनाक है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री समेत समूचे RSS बीजेपी नेतृत्व का इसे सह देना और कोई कार्रवाई न करना।